स्कूल भी है ना महेंद्र घाट में, तो मास्टर नहीं रहता, खाली कान में फोन लगा ले बहन जो खाली भतिया, अच्छा मैन कान में फोन लगा ले बहन जो खाली भतिया, अच्छा मैन। हम आए हैं गांधी मैदान के पास ही एक स्लम एरिया है, जहां पे जानेंगे कि इन जो गरीब हैं जो स्लम में रहते हैं उनका कैसे अभी ठंड में गुजारा हो रहा है और सरकार उनके लिए क्या सब करे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे बच्चे हैं जो कोई अभी मास्क भी नहीं पहने, इससे ये साफ पता चलता है कि जागरूकता का कितना कमी अभी है स्लम एरिया में। सरकार आम लोगों तक, जो एक मिड रेंज के लोग हैं और जो अच्छे वर्ग के लोग हैं, सिर्फ उन्हीं तक सरकार पहुंच पाई है, उनका जागरूकता सिर्फ वहीं तक पहुंच पाया है। और जो तमाम लोग हैं यहाँ पे, कैमरा थोड़ा रोटेट करिएगा, दिखाइएगा इन लोगों को, यहाँ पे जितने भी लोग हैं इनके बीच कोविड को लेके क्या सेफ्टी है, कोविड को लेके क्या सेफ्टी है, आप देख सकते हैं इन लोगों को कि सरकार का जो जागरूकता अभियान है क्या सिर्फ उन लोगों तक के लिए है जो पहले से जागरूक हैं, क्योंकि जो भी सरकार का जागरूकता अभियान होता है वो इन्हीं लोग के चलते इन्हीं लोग के लिए होना चाहिए। आप लोग मास्क तक नहीं लगाएं क्या, मतलब सरकार जो भी गाइडलाइन देता है वो क्या आप लोग तक पहुंच नहीं पाता है क्या? हमको बताइए, सुनिए, इधर आइए, देखिए, जब तक आप बोलिएगा नहीं, अभी एक इस देश के नागरिक है ना जी, बिहार के नागरिक है ना, सरकार का जो होना चाहिए, अगर आप पीछे हटिएगा तो फिर आप लोग के आप लोग तक जो सुविधा मिलना चाहिए वो कैसे मिलेगा। तो देखिए, मास्क पहनना अभी कोविड का टाइम है, कोविड का नाम सुने हैं? नहीं सुने, कोविड का नाम तक नहीं सुने। देखिए यहाँ पे अभी यहाँ पे पटना का, ये राजधानी पटना का ये हाल है कि वहाँ के स्लम के एरिया कोविड का नाम तक अभी नहीं सुने हैं। 3 साल खाली कोरोना का सुने हैं। हाँ, कोरोना का, वही कोरोना का सुने हैं, कोरोना का सुनने का रहा है। वैक्सीन तो अभी आपका उम्र छोटा है, आपके मम्मी पापा जो हैं जिनका एज हो गया था वो सब वैक्सीन लिए हैं? हाँ लिए, वैक्सीन ले लिए। 15 साल के बच्चे को भी वैक्सीन, 15 साल के बच्चे को भी अभी स्टार्ट हुआ है, और जो जिनका उम्र 18 से ज़्यादा था उन लोग को दोनों डोज अधिकतर लोगों को हो चुका है। तो आप लोग कितने डोज लिए हैं अभी? फिलहाल तो हम एक लिए हैं, और जो लोग पहले से ले चुके हैं जिसको 2-3 महीना हुआ है उसको दोनों डोज पड़ चुका है। आपका? हाँ, कोरोना वाला। हम आएंगे, आप पे भी आते हैं, पहले हम इनसे बात कर लेते हैं और बच्चे सबसे। आप लोग कोरोना का नाम सुने कि नहीं? हाँ, सुने हो कोरोना? सुने का नाम? हाँ, क्या है कोरोना? क्या है कोरोना? बीमारी है। बीमारी है? हाँ। इसमें कैसे होता है पता है? कैसे होता है? ये फैलता है, हवा में रहता है, संक्रमण से होता है, तो इसके लिए मास्क लगाना जरूरी होता है। ये मास्क तो तुम लोग काहे नहीं मास्क लगाते हो? हम लोग गरीब है तो कैसे लगाएंगे? गरीब हो तो यहाँ पे बहुत सारा देखते हैं कि मास्क वितरण का भी काम होता है, तो यहाँ पे तुम लोग का मास्क का भी कोई बांटने आया है? बांटे तो नहीं आया है। तो तुम लोग तो अपने खुद से खरीद नहीं सकते, सही बात है, लेकिन देखो ये सब चीज़ कहाँ से तुमको मिला, जो कपड़ा पहने हुए, जींस पहने हुए, जैकेट पहने हुए हो, तो एक मास्क भी तो कहीं से ले सकते हो ना। अच्छा, सब पहना हुआ है सर सबका। देखिए आप भी मास्क नहीं पहने, आपका आप कोविड लिए कि नहीं, वैक्सीन लिए कि नहीं? लिए है सर, हम तो दोनों डोज हो गया जेल में लिए हैं सर। देखिए आप वैक्सीन लिए, मतलब पूरा तरह से आप कोरोना के बारे में जानते हैं, मास्क फिर भी नहीं लगाए हैं, इसका क्या वजह? गलती है। यहाँ पे जितना भी लोग हैं, देखिए आप लोग का ये दायित्व बनता है कि जितने छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ पे उन लोग को कम से कम अभी सेफ करके रखना है। तो उस सर आप लोग का काम है जो कहीं खोलवा देते बढ़िया रहता। देखिए मास्क पहनाना, सेफ में रखना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, ये सब जो बड़े लोग हैं यहाँ के उनका दायित्व है कि वो लोग उसको फॉलो करवाएं, क्योंकि आप लोग समझदार यहाँ पे नहीं आएगा, सरकार हर चीज सरकार कभी यहाँ पे सरकार कब तक बच्चा सके भेज भी रहे ना, तो कह रहा है स्कूल नहीं है। स्कूल तो अभी बंद है। आई स्कूल नहीं, स्कूल भी है ना महेंद्र घाट में, तो मास्टर नहीं रहता, खाली कान में फोन लगा ले बहन जो खाली भतिया। अच्छा, महेंद्र घाट में जो स्कूल है वहाँ पे यहाँ के बच्चे जाते हैं? हाँ जाते हैं सभी, मगर कान में एयरपोर्ट लगा खाली बातें करते रहता, पढ़ाई नहीं करता है कुछ। आप लोग के जो प्रतिनिधि है ये बांकीपुर में आता है ना? हाँ जी। तो आप लोग के जो प्रतिनिधि है उनके पास आप लोग जाते हैं अपने समस्याओं को लेकर? अब क्या जाएं, हम लोग तो जाएबे नहीं करते हैं, जब पढ़ाएबे नहीं करता तो क्या जाएं हम, खाली उल उनको पास जाते हैं ना तो बोलता है जब महेंद्र घाट में भेजिए। इसका कराती ठंड में कैसे गुजारा होगा? ठंड में तो क्या करे सर, बोरा चट्टी ओढ़ कर सोते हैं हम लोग, क्या करे। सरकार से कुछ? सरकार कुछ नहीं देता है सर, वोट लेवे के टाइम में आवेगा तो जब वोट लेने के, यही बात है, ये इसी को कहते हैं जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि देखिए जब वोट लेने आते हैं तब तो आप लोग आराम से वोट दे देते हैं। किस चीज़ को देखते हैं वोट देते समय, किस चीज़, कौन सा मुद्दा आप देखते हैं कि किसी, मान लीजिए 5 कैंडिडेट है तो आप कैसे चुनते हैं कि ये हमारे लिए अच्छा है? ना तो हम तो एम के नीतीश कुमार के दिए थे वोट, झूठ कला कहे सर, उसी के दिए थे, वही बेचारा बहुत पुल तुल बहुत गरीब आदमी ने मदद किया है। तो इस बार क्या अभी ऐसा मजबूरी हो गया नीतीश कुमार के साथ कि उस कराती धूप में कोई देखने वाला नहीं है आप लोगों को? अब मगर मेन बात है ना सर, एगो स्कूल बनवा दीजिए चाहे बैठवा दीजिए, ये बांकीपुर यहाँ पर देखिए ना
ये टंकी बनल है ना, पाँच कट्ठा में प्लाट खाली पड़ल है, वही में कोई मैडम उडम आते हैं बैठाते हैं तो उसी में धिया पुता के बैठता तो कुछ ज्ञान होता सर, ज्ञान होता तो आप ही का नाम होता सर। मर यहाँ तो देख रहा है सब इतना इतना का बच्चा है ना। देखिए मास्क पहनिए, मास्क पहनना बहुत जरूरी है। मास्क में भी यहाँ पे बच्चे हैं उनको भी ये बताइए कि मास्क पहनना कितना। तुम लोग स्कूल जाते हो बाबू, स्कूल जाते हो? जाते थे, अब नहीं जाते हैं स्कूल। अब तो लॉकडाउन के कारण बंद हो गया है, जब खुला था तो जाते थे। हाँ पहले जाते। किस क्लास में पढ़ते हो तुम? हाँ किस क्लास में पढ़ते हो? याद में क्या है? अरे दूसरा में पढ़ रहा, तीसरा में पढ़ रहा, बताओ ना। अच्छा में वन में पढ़ते हो? हाँ वन में पढ़ता हूँ। कितने वहाँ पे स्कूल जाते हो तो टीचर पढ़ाते हैं? नहीं पढ़ाता है। नहीं नहीं पढ़ाता कौन है सर, कान में ईयरफोन लगा ले भर दिन बतियाती रहता है। अभी हम बाकीपुर के स्लम एरिया में थे जहाँ पे देखे कि जागरूकता का कितना कमी है, बहुत लोगों तो कोरोना का नाम तक नहीं सुने हैं। जितने भी लोग हैं यहाँ मास्क तक नहीं लगाए हैं और ठंडा में कैसे गुजारा कर रहे हैं, ये सारे चीज़ अभी हम आप लोगों को दिखाए हैं। और इसी तरह के तमाम स्टोरी ठंड पे लगातार हमारा स्टोरी जारी रहेगा, और भी स्टोरी जानने के लिए देखते रहिए एमके न्यूज़ इंडिया। कोशी हॉस्पिटल सरकारी अस्पताल के सामने आरा मिल रोड प्रतापगंज सुपौल। हमारे यहाँ सभी प्रकार के छोटे एवं बड़े ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ 20 बेड की सुविधा के साथ गॉल ब्लैडर स्टोन यानी पित्त की थैली, पथरी का ऑपरेशन, बच्चेदानी, किडनी स्टोन, नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया का ऑपरेशन कुशल डॉक्टर के द्वारा किया जाता है। साथ ही यहाँ नवजात शिशु के लिए NICU यानी शीशे में रखने की सुविधा उपलब्ध है। 24 घंटे इमरजेंसी सेवा के साथ अस्पताल से 12 किलोमीटर तक के लिए इमरजेंसी एम्बुलेंस की फ्री सुविधा दी जाती है। आज ही संपर्क करें, नंबर है 7549279409 और 9546150746।